चिकन जो हमने लिया है तकरीबन 1 किलो है, और इसलिए हम एक बड़ा और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे। और इसको चॉप कर लेंगे। आठ से दस काजू और बादाम ले लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। चॉप किए हुए प्याज जो हैं वो छन्नी में डाल देंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि छन्नी से जो है इसका जो पानी नीचे निचोड़ता रहेगा। आठ से नौ अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। चार से पांच अदद लहसुन के जवे ले लेंगे। इसके मुताबिक पुदीना ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा धनिया ले लेंगे और अदरक भी ले लेंगे टेस्ट के मुताबिक। इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे।
तो कीमा रेडी हो चुका है। वन एंड हाफ टीस्पून सूखा धनिया ले लेंगे, वन टीस्पून जीरा ले लेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और चिकन में ऐड कर लेंगे। अब चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, पुदीना और धनिया इसमें ऐड कर लेंगे और इसी तरह काजू बादाम भी इसमें ऐड कर लेंगे। नमक ले लेंगे हस्बे जायका, चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज का पानी निकालने का मकसद ये है कि जब चिकन का जो मिक्सचर बनाएंगे वो ज़्यादा गीला नहीं हो, इसलिए वो सीखों पे चिपकेगा नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे कोई क्रीम यूज़ कर लेंगे, नेस्ले की यूज़ कर लें, हलीब की यूज़ कर लें, ऑलपर्स की यूज़ कर लें, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन रख देंगे आधे घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुका है तो अब इसे सीखों पे लगा लेंगे। सीखों पे लगाने के लिए आप अपने हाथ जो है पानी की मदद से गीले करें और चिकन का जो मसाला है उसको लें और इस तरह हाथों की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए आएँ, इसलिए आपका जो कबाब है वो लंबाई में होगा। अब बारी आ जाती है इनको बारबेक्यू करने की या रेडी करने की। इनकी साइड जो है वो जल्द से जल्द चेंज करते रहना है ताकि, क्योंकि ये कीमा है और ये ज़्यादा हीट अप नहीं हो, ज़्यादा कलर अपना फेड नहीं करे। ये 80-90% रेडी हो चुके हों तो इन पे ऑयल की ग्रीसिंग कर लें। तो ले जी ख्वातीनो हजरात, हमारे नहायत ही मज़े के और लजीज किस्म के रेशमी कबाब रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मेरा चैनल लाजम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखिए। फ़ीमानिला, अल्लाह हाफिज़।